अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हन का आतंक देखने को मिला। शादी के दूसरे दिन ही घर से लाखों रुपए की जेवरात लेकर दुल्हनें भाग गईं। पीड़ित पक्ष थाने में मुकदमा दर्ज कराने पहुंचा। शादी बिचौलिए के माध्यम से हुई थी। दुल्हन और परिजनों के मोबाइल नंबर बन जा रहे हैं। पुलिस ने तीन बिचौलियों को पकड़ा, पूछताछ की है। घटना थाना कुआरसी के सुरेंद्र नगर इलाके में दो परिवारों की है। थाना कुआरसी प्रभारी विजयकांत शर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, पीड़ित पक्ष से पूछताछ की जा रही है, घटना को लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रात को आए, दिन का प्रोग्राम था, रात को आए करीब करीब 10:30 बजे घर पे बुलाने, और एक घंटा नाश्ता वास्ता करके लड़की को ले गए। फिर अगले दिन वो पहले तो मुझे कह रहे थे कि आप चलो संग, पापा ने मना कर दी कि भाई हम लड़की को रात में नहीं भेजेंगे। फिर सुबह मैं 8 बजे नहा धो के तैयार हुआ उसको बुलाने के लिए, मैंने फोन किया तो उन्होंने लड़की थी नेहा नाम है उसका, उसने मुझसे कही कि भैया हमारे जो भैया हैं वो अलीगढ़ आ रहे हैं किसी काम से, आप एक काम करना उनके संग बैठ के हमारे संग आ जाना, उनके संग आ जाना और मेरे को बुला के ले आना प्रोग्राम से पहले। उससे अगले दिन लेडीज संगीत था तो मैंने उनको फोन किया, वो मुझसे बोलते हैं कि मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ। आधे घंटे बाद फिर फोन किया, वो बोले सारसोल जाम में फंसा पड़ा हूँ। फिर उसके बाद फिर फोन किया तो उन्होंने फोन बंद हो गया उनका स्विच ऑफ। उसके बाद उन्होंने कभी उनका फोन नहीं उठा। मैंने नेहा को फोन किया, उनका मोबाइल बंद, सबके मोबाइल बंद आ गए। से ज्वेलरी थी काफी, 4 चूड़ियां थी और चैन थी, मंगलसूत्र सोने का, बिछुआ तोड़िया और आपका क्या कहते हैं लौंग वगैरह, ये था कमलेश और बबलू, ये तीनों ने मिलकर मेरी शादी कराई थी। और कहना वह है मेरे से शादी कराने के बाद 16 तारीख को मेरी शादी हुई है, और 16 तारीख को शादी होने के बाद शाम को आई है लड़की, और कहना पर 7 को रही है, और सवेरे मेरे से बोली बाजार जाना, मैंने मना करा, पर बहुत जिद अपनी करने के बाद नहीं मानी, फिर मुझे बाजार ले गई ऐसे कोई 10:30 बजे करीब।